क्योंकि अब तुम सिर्फ शहनाज नहीं हो, मिसेस कुलशेर हो, और मेरी और तुम्हारी फ्रेंकनेस बचपन से ना होती तो आज मैं तुम्हें भाभी कह रहा था। सो व्हाट, अगर सगे भाइयों के केस में ऐसा हो सकता है तो कुलशेर तो सिर्फ तुम्हारा कोसमेट था। तुम्हें नहीं पता शनाज के फौज में? देखो काशिफ, ये तुम भी जानते हो कि आर्ग्यूमेंट बहुत कमजोर है, इसलिए तुम इस बात को छोड़ो और मेरे साथ अपनी बात करो। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि शायद मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूं, इसीलिए पहले भी तुमने इनकार किया था। इट्स अ गुड बुक, यू मस्ट रीड इट। याद आया कल अजमत पहुंचने से आ रहा है। अच्छा, वापसी शुरू हो गई? कभी भी, कल आखिरी फ्लाइट आ रही। मेरे ख्याल में कोई अच्छा ही हुआ। आई एग्री, जिस मैंडेट पे यूएन फोर्सेस ऑपरेट कर रही थी उसके साथ कुछ और हो नहीं सकता। आओ बेटा। क्या हुआ बेटा? सॉरी अंकल, मैंने आप लोगों को तो कन्विंस कर लिया था, कंसर्न पार्टी को नहीं कर सकी। सर कौन सी एल्बम आपने मंगवाई थी? मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं तो सारी उठा लाया हूँ। चल अच्छा किया यार, ये नीचे वाली, इसमें राशिद के अमेरिका जाने से पहले वाली तस्वीरें हैं। सर मैं भी देख लू? हाँ मेहरान, जब तक तू नहीं देख लेगा मुझे देखने देगा चैन से? ओह सर, राशिद साहब को देखे अमेरिका जाके तो इनकी शक्ल ही बदल गई है। आइए कर यार। राशिद तो खैर बंदर था ही, ये शहनाज को देख कहाँ चढ़ी हुई है। डर से चीख लिया लेकिन दरख्त पे जाना जरूर था। सर ये सालगिरह आपकी थी या शहनाज बीबी की? हम दोनों की थी यार, हम दोनों की सालगिरह एक ही दिन होती है। देख नहीं रहा दोनों मिलके केक काट रहे? पिकनिक पे गए तो याद आया छुरी लाए नहीं थे। शहनाज ने जिद की कि भी केक उसकी अनेक से काटेंगे और कटवा के छोड़ा उसने। चल आगे कर। ये देख, ये मैं और शहनाज हूं। सर शहनाज बीबी बड़ी अच्छी है, इतनी छोटी सी उम्र में, बड़ा दुख होता है सर उनको देखकर। सर गुलशेर साहब को कोई डाउन नहीं है क्यों? सर जब हमारी तरफ कोई मर जाता है ना तो उसके भाई से बेवा की शादी करा देते हैं। सर मैंने खुद अपने भाई की बेवा से शादी की है, उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह, और कौन पालेगा। चलो जो अल्लाह को मंजूर। सर ये कौन सी जगह? यार ये एल्बम उठाओ, मैंने सर अंदर जाना। क्यों सर? एल्बम उठाओ। उसने शायद शादी का किस्सा ही ज़हन से निकाल दिया हो संन्या वाली बात के बाद। I'm sure that's not the case. उसने अपने आप को किसी दूसरी लड़की से मिलने के लिए तैयार कर लिया था ना? मेरे ख्याल में उसका ज्यादा शौक शहनाज की वजह से है। इतने पुराने दोस्त के साथ शादी के बारे में सोचना तो उसे अजीब लग रहा होगा। पहले भी काशिफ ने मना किया था, शायद यही बेसिस है। साहब का फोन आया।
भाभी अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो, दे विल बी गुड फॉर ईच अदर। आप शनाज को थोड़ा वर्क दें, वो खुद ही मना लेगी उसे। ठीक, किस बात पे मनाना है मुझे? तुम्हें अच्छी तरह पता है इस बात पे। अच्छा, शनाज किधर है? अंदर किचन में, मेरा ख्याल है दूध बना रही है शेरजान के लिए। शेरजान सो गया ठीक से? वो यहां कंफर्टेबल तो है ना? बहुत क्यूट है माशाल्लाह। शनाज, तुम मेरे बेहतरीन दोस्तों में से हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम तो मेरी बात समझो। अंडरस्टैंड व्हाट काशिफ, क्या समझाना चाह रहे हो मुझे? यही कि मुझे तुम दोनों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, तर्स और हमदर्दी नहीं। क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरे पे कोई तरस खा के मेरे साथ शादी करने का सोचे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया काशिफ? तुमसे शादी मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे तुम पे पैसा आता है? अगर तुम अपने दिमाग से सेल्फ पिटी का पर्दा उठाओ और सोचो कि कौन खा रहे तुम पे तरस, वो खत्म वाली लड़कियां जो तुम्हें जाने बगैर, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे मूड्स को समझे बगैर तुमसे शादी करने पर तैयार है, या मैं तुम्हें कब से जानती हूँ काशिफ, तुम्हारी सारी अच्छाइयों और बुराइयों को सिर्फ मैं जानती हूँ। क्यों खाऊंगी मैं तुम पे तरस? काशिफ, की बातें मैं तुम्हें मनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, हम कुछ समझाने के लिए जरूर कह रही हूँ। वो सब लड़कियां तुम्हें एक मंसूर काशिफ को देखती हैं, सनिया भी, इसलिए कोई तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार है और कोई तुम्हारी माजूरी की वजह से तुम्हें छोड़ गई है। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। मैं जिस काशिफ को देखती हूँ वो माजूर नहीं, एक कंप्लीट इंसान है, बहुत प्यारा और बहुत अच्छा। Maybe you're right, Shanaz. शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बड़ी जबरदस्त खबर है, कुलशेर जिंदा है। अब तो शेरजान डरने लगा होगा, मुझे देख के पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा, पता नहीं मेरे से मानूस होगा भी कि नहीं। हो ही जाएगा, आखिर जो लोग दूसरे मुल्कों में काम करने के लिए जाते हैं वो भी तो दो तीन तीन साल बाहर रह के आते हैं। वैसे भी शहनाज उससे मेरी बातें तो करती होगी, मेरी तस्वीरें भी देखता होगा, मेरे ख्याल इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं भी कैसी बातें सोच रहा हूं, ये सारे सवाल तो फिर पैदा होंगे जब मैं जाऊंगा। चलो ये मामा का बेबी तैयार हो गया, सही है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब ये क्या पता नहीं ये लोग मुझे जिंदा भी छोड़ेंगे या नहीं, लेकिन अगर इन्होंने मुझे मारना ही होता तो इतना अरसा कैद क्यों रहते? अच्छा मुझको
कर्नल बदर वगैरह तो वापस पाकिस्तान चले गए होंगे, पता नहीं उनकी जगह कौन सी यूनिट आई है। हो सकता है फराज आ गया अटैचमेंट पे, बड़ा अच्छा आदमी है फराज, कैसे सेल्फलेस होकर उसने हमारी शादी कराई थी। हालांकि शहनाज ने उसे रिजेक्ट करके मेरे साथ शादी की थी। शहनाज भी अजीब ही चीज है, मेरा ख्याल है जैसी लड़की शायद ही दुनिया में कोई और हो। Yes.